हेलो, तो ये पार्ट टू है। यहाँ पे नाइट टू स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे मैंने उसको केयर दे दी थी तो वो शांत हो गया था। वही पुशी उशी था इसका। तो अभी दोबारा से हमें वही काम करना है, फीड बेबी, गेट बॉटल फ्रॉम फ्रिज, तो वापस से वही करना है बस। तो अभी हम जाते हैं, उसके लिए हम उसकी बोतल लाते हैं ताकि बच्चा खुश हो जाए और वापस सो जाए। ये बंद हो गया दोबारा। सबको यहाँ पे भूत है बहुत सारे, हर चीज़ में, कभी किसी में कभी किसी में। तो अभी जब तक शायद हम ये फीडर नहीं ढूंढेंगे, हमें बाहर नहीं निकलने देंगे वो लोग, मतलब ये बेबी की भूतनी आत्मा। तो अभी ढूंढते हैं हम कहाँ है। ये रही है, हवा में ऐसी उड़ रही है पता नहीं क्यों। ठीक है, एक तो मैं ऐसी बैठ गई, तो उप्स सॉरी। तो अभी हम जाते हैं, इसको देते हैं, ये लो पियो, इतना गुस्सा मत करो। ओ खुश हो गया बच्चा। ठीक है, तो अभी हमें इसका डायपर वापस से, सॉरी निप्पी, चेंज करना है। एक तो इतना बड़ा घर है ना उस बच्चे का, मैं जो है ना सारे रास्ते भूल गई हूँ कहाँ जाना है मुझे। तो असल में मुझे वॉशरूम जाना पसंद ही नहीं है इसके। ठीक है, तुम यहाँ पे सो जाओ, इस बार गायब मत होना। और ये निप्पी भी मैं जल्दी से उठा लूँ। अभी इसको क्या हो गया, इसकी आंखें आ गई, बच्चा तो वहीं पे। तो अभी इसको क्या, इसको पकड़ूँ कैच ने। ठीक है, तो ये सारे काम हमारे हैं, अभी इसको कैच करूँ मैं, और कोई काम ही नहीं है मुझे। तभी तो इसके घर वाले इसे लेके नहीं जाते, यहाँ पे ऐसी मतलब हरकतें होती है ना। ठीक है, पकड़ती हूँ तुम्हें, रुको कहीं पे, जल्दी से रुक जाओ। ठीक है, तो ये नहीं रुकना चाह रहा, लेकिन मैं इसको पकड़ के रहूँगी। घूर रहा है मुझे, वैसे घूर क्या रहा है तो ज़रा। ओ बेचारे का सर फट गया। ये क्या है, यहाँ पे इमरजेंसी कुछ लिखा हुआ है। तो ये किसका रूम है, इसकी मम्मा का रूम है, मतलब आंटी का रूम है। ठीक है, अभी इसको लेके जाते हैं और चेंज करते हैं उसकी नेपी, फिर हम उसको बेड पे चलाएंगे। मुझे तो काम भी याद हो गए। हाँ पहनो, ऐसे देखो मत, पिकअप बेबी। ये दीवार के आर पार हो गया ये तो, या वो मेरे हाथ से ऐसे छूट के यहाँ पे पहुँच गया अपने आप। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना गुस्से से क्यों देख रहा है। उप्स सर फट गया बेचारे का टकला। ठीक है, तो अभी दोबारा से इसकी स्टोरी, द प्रिंस एंड द रैबिट। अच्छा, तो इस पर जो मतलब होता है ना ये टेडी, तो वो उसे देना होता है शांत करने के लिए। ये क्या तरीका है, नहीं सुनी तो ना सुनो स्टोरी, ऐसे फेंकते हैं क्या। क्यों रो रहा है, क्या चाहिए तुझे स्टार, ये बच्चा। ठीक है, ये लो, व्हाट द हेल। ठीक है कोई बात नहीं, स्टार चाहिए ना, लैंप। ये तो शायद ये नहीं चाहिए इसको। ठीक है, तो ये नोप। तो हाँ, तो स्टोरी बुक के हिसाब से इसको रैबिट ही चाहिए था। तो इसको रैबिट हमने दे दिया, ये दोबारा से खुश हो गया। तो अभी हमें दोबारा से इसको स्टोरी सुनानी है। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, सुनाती हूँ तुम्हें स्टोरी। Through dark एक तो इसकी स्टोरी कितनी corridors खतरनाक खतरनाक लगती है ना, मतलब डर लगता है, मुझे नहीं पढ़नी। ठीक है, मैं जाती हूँ, सो गया। ठीक है, तेरे कमरे से मैं जाती हूँ और जाके टीवी देखती हूँ। आवाज़ चिल आउट, तो वो तो हमें करने नहीं देते, कहाँ से करेंगे चिल आउट। लगता है इसके पेरेंट्स आ गए, फाइनली फाइनली मेरी जान छूटेगी इससे। तो ओ ये तो गिफ्ट आया है मेरे लिए, पिकअप बॉक्स। अभी क्या, इस छोटे बच्चे को मैं टोस्ट खिलाऊंगी जिसके दांत तक नहीं आए अभी तक, पागल हो जाता है जैसे दूध भी ना मिले तो। ठीक है कोई बात नहीं, इसे हमें रखना है, इसके लिए तो मुझे जगह भी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे ओके हो गया, यहाँ पे हो गया, फाइनली सम पीस टू वॉच टीवी। हाँ वाकई में राइट। ठीक है, तो हम टीवी देखते हैं अभी आराम से। तो क्या हो गया, अच्छा नाइट थ्री भी आ गई हमारी। दोबारा से वही काम करने हैं, बच्चे को सेटल करना है सीढ़ियों पे जाके, और क्या।
ठीक है, तो हम जाते हैं दोबारा से। एक तो मतलब ये खाली पीली बार बार रोना शुरू हो जाता है, जबकि मैं इसको हर चीज़ देती हूँ, हर चीज़ सब काम करो उसके। हाँ, हो गया ना सेटल तू? ठीक है, मैं जाती हूँ तुम्हारे रूम से, बाय। अरे छो जा। ठीक है, अभी हम जाते हैं। और क्या करना है हमें? अच्छा, कुछ बनाना है अपने लिए। ठीक है, हम बनाते हैं। ये रखा, नहीं मैं इस पर नहीं रख रही थी, वो बस गलती से छूट गया। ठीक है, यहाँ पे रखा। ओके, तो क्या करना है इसको? हाँ ऑफकोर्स अंडा। ठीक है, नोप। तो यहाँ पे कुछ है इसके लिए? यहाँ पे तो कुछ नहीं होता। ओ हाँ, वहाँ पे लिखा तो है चीज़ी टोस्टी। ठीक है, प्लेट में भी नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ टूट जाए सामान, मैं कहूँगी इसके पेरेंट्स को तुम्हारे बच्चे ने किया, वैसे भी इसकी करतूतें कम है क्या। ठीक है, तो ये हमने मशरूम लिया, यहाँ पे रखते हैं। तो समझ गई, हमें यही काम करना है अभी, इस पर ये सारी चीज़ें रखनी है। ठीक है, तो हम अभी हमारा ये चूहे बना लेते हैं जो भी है इसको। ठीक है, तो बना दिया। अभी ब्रेड रखी, मिक्सर तो पता नहीं क्या था। ये क्या है? फीड मी। हाँ, तो मैं अपने लिए खाना बना रही थी, लेकिन अभी इसके लिए दूध लाना है। ये फ्रिज एकदम से ऐसे बड़ा हो गया, लाइट भी चली गई, लोड शेडिंग हो गई है बहुत। कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे। ओके ओके ओके, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, मिल गया। हमारा घर तो नहीं है ये। ओके, तो ये रहा हमारा रूम, ये रहा हमारा बच्चा। व्हाई आर यू सो एंग्री? ठीक है, पियो अभी। दोबारा वही काम। अरे गिर गए क्या? कोई बात नहीं, तो अभी दोबारा चलते हैं। अभी दोबारा इनमें से या निप्पी गायब होगा या बच्चा गायब होगा। ये क्या था? हाँ, ये तो फिदा हो गई। मुझे क्या करना है यहाँ से? दूसरा मेरा बच्चा मैं तो इतना स्केरी हो गया, चलो कितना अच्छा था, कितना डरा रहा है। लेकिन मैं डर नहीं रही थी, अभी तो मैं छोटे से बच्चे से डरूंगी। इसमें मतलब मेरे को रोजन आ गए। अच्छा, वहाँ पे वो इमरजेंसी वाला दिखा हुआ है, जो मिट्टी वाला, तो ये उसके मुँह में डालना है। ओके, समझ गए। उसने तुम्हें किक मार दी क्या? वो सो क्यूट, आंखें बंद में कितना अच्छा लगता है। ये क्या है? इसका पास्ट है क्या? नोप, चलाने आई थी ये, दोबारा से इसे उड़ रहा है हवा में। सो जाओ यहाँ पे। ठीक है, ये सो गया। तो अभी हमें क्या करना है? इसको वापस से इसका भालू देना है, नहीं चाहिए इसको, नहीं नहीं चाहिए चाहिए इसको। तो अभी हम दोबारा से वो स्टोरी सुनते हैं, मतलब पढ़ते हैं जो उसके लिए पढ़नी थी, वो हमने पढ़ ली। मुझे इतनी खतरनाक, कहाँ गया वो? सारे मतलब जो थे ना, वो जिंदा हो गए। ये क्या तरीका होता है गुड नाइट कहने का? ऐसे कोई बोलता है गुड नाइट डरा के?